बहुत लोग कहते हैं एक्सपीरियंस अनुभव की बात है, मैं कहता हूँ मुझे लगता है कि मैंने इतनी गलतियां करी हैं जिसके लिए मैं काफी अपने को गर्व महसूस करता हूँ कि इतनी गलतियों के बाद जो सीख मिली है। प्रोडक्शन में कोड फट गया, टेस्टर ने देखा नहीं, सब चल गया, डेवलपर ने कोड बहुत अच्छा लिखा था। तो ये जब अजाइल चलता है तब तो एज अ टीम काम कर रहे हैं ना, तब ये वाला जो एप्रिसिएशन वाली जो चीजें होती हैं वो कहाँ पर मेजर होती हैं? इट मींस कि अजाइल को इम्प्लीमेंट करने पर उसके क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू ये मेजर होता है कि ये वाली जो स्प्रिंट थी या बना था। बहुत बार डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, इन सबको एक दूसरे की एफिशिएंसी को आंकने के लिए आवर्स ही एक फैक्टर दिमाग में रहता है, जबकि उसका सिग्निफिकेंस एज एजिलिटी या ग्रोथ माइंडसेट कोई नहीं है। आपके पास में एक स्प्रिंट में 10 दिन दिए गए हैं, जब हम टाइम जोन को लेकर फर्क करते हैं, काम मेरा टेस्टर दूसरी कंट्री से भी कर रहा है, मैं भी इंडिया में बैठ के काम कर रहा हूँ, दोनों का काम टेस्टिंग करना है, टाइम जोन अलग है, रिमोट सेटअप है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि अजाइल को लेके दोनों का व्यू बहुत अलग है। राइट। तो हर हर किसी को लगता है कि नहीं यार, ये 2 घंटा बोल रहे हैं तो शायद हम में कमी होगी, हम 2 घंटे में नहीं कर पा रहे, एंड दैट बिल्ड्स अ प्रेशर विच इज अ फिक्स्ड माइंडसेट अप्रोच। तो द क्रक्स हियर इज दैट डेवलपर और टेस्टर ना, ये रोल ही गलत है, टीम मेंबर ये एक ही रोल होता है। आप डेवलपर टेस्टर अलग अलग विभाजन करना ही अपने बारे में सबसे बड़ी गलती है। और जब हम ये पैटर्न चालू करते हैं कि हर स्प्रिंट में हर टीम नोन्स और अननोन्स का कैरेक्टरिस्टिक डाले, तो हर लीडरशिप को हर विजिबिलिटी मिलती है इस विजुअल रेडिएटर से कि हर टीम के पास कितने अननोन्स हैं। हाय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज फेस फॉर टेस्टिंग। आई हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू गंधर? आई एम ऑल्सो वेरी फाइन एंड थैंक्स फॉर आस्किंग सर, एंड थैंक यू सो मच। डिस्क्लेमर दे देते हैं ऑडियंस को कि एक्चुअल में हम बात क्या करने वाले हैं। सब ना बात कर रहे हैं कि ना हम अजाइल की तरफ मूव हो रहे हैं, हमारी टीम्स के बड़े बड़े सेटअप्स बन रहे हैं, टिकट्स बहुत सारी स्प्रिंट में जानी है, ग्रूमिंग मीटिंग्स हो रही हैं, स्टोरी पॉइंट डिसाइड हो रहे हैं, बट फिर एंड में जाके फिर बैकलॉग बने जा रहे हैं। हो क्या रहा है? क्या सिर्फ हम अजाइल को हम थ्योरेटिकली यूज कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली उसके ऊपर में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कोई बात कर भी रहा है कि नहीं कर रहा? क्या एक टेस्टर के लिए अजाइल को समझना क्यों जरूरी है? गए वो दिन वाटरफॉल मॉडल के, आ जाएगी एक्चुअली मेथोडोलॉजी की बात जब हम बात करते हैं अजाइल की। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अजाइल का फुल रोड मैप क्या है, एक अजाइल की इंपॉर्टेंस आज के 21st सेंचुरी में क्या है, क्यों कंपनीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या उससे बेनिफिट होने वाले हैं, एंड सो ऑन। सो सर, डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताओ, लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। सो ओवर टू यू नाउ। धन्यवाद यार। तो ये तो काफी अच्छा है ना कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स बात करेंगे, विच इज गोना बी क्वाइट यूनिक फॉर मी एज वेल। तो जर्नी तो काफी इंटरेस्टिंग रही है। ऑलमोस्ट 18 साल हो गए हैं गलतियां कर करके, और बहुत लोग कहते हैं एक्सपीरियंस अनुभव की बात है, मैं कहता हूँ मुझे लगता है कि मैंने इतनी गलतियां करी हैं जिसके लिए मैं काफी अपने को गर्व महसूस करता हूँ कि इतनी गलतियों के बाद जो सीख मिली है हमें और गलती करने के लिए प्रेरणा देती है। तो उसके तहत 18 ईयर्स की जर्नी, शुरुआती दिनों में तो वही हर कोई डेवलपर बन जाता है, पता भी रहता नहीं कि डेवलपर होता है क्या, वहां से शुरुआत होती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए, इंजीनियर बन गए, और उसके बाद पहले साल तो निकल ही गया, सोचे सोचते कि कर क्या रहे हैं। धीरे धीरे फिर मालूम पड़ा कि हम वाटरफॉल सेटअप में काम करते हैं, जहाँ कोई आके बताता है कि तुम्हें ये करना है तुम कर दो। अब उसके बाद जब तक कोई मैनेजर साहब उठे नहीं वहां से, तब तो तक बस पकड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। वो दिन तब हुआ करते थे 2006-07 के। उसके बाद कहीं तो भी जाके एक वर्ड सुना मैंने, अजाइल। ये अजाइल क्या होता है? मतलब कुछ ने बोला हम अजाइल में काम करते हैं, अच्छी बात। तब थोड़ी सी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जागी कि ये होता क्या है। तब मालूम पड़ा कि कोई स्क्रम टाइप सी मीटिंग होती है, उसमें 4 लोग जाके पता नहीं क्या वहां पे गपशप करते हैं, और फिर आके बताते हैं कि यार ये बोला गया है, ये हमें करना होगा। ऐसे करके एक कंपनी फिर चेंज की गई, और फिर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में आया वहां पर एक अच्छा खासा अजाइल सेटअप में काम करना चालू किया। टीम थी वहां पर, और वहां पे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जगी, स्क्रम मास्टर क्या होता है। तो देखिए हमारे स्क्रम मास्टर साहब शाम को 8 बजे US टाइम में, मतलब उनके सुबह और हमारे शाम का समय हुआ करता था इंडिया में। अब वो इंडिया US के सेटअप में काम करते थे, तो हमेशा ओवरलैपिंग आवर्स होता था, बिल्कुल तो हर कोई वहां जाके अपना अपना दिन का ब्यौरा दे रहा था कि आज हमने ये किया है ना, हमने इतने झंडे गाड़े हैं और ये किया है, और अब कल ये करने वाले हैं और ये दिक्कतें रहेंगी, सब कोई बता रहा है। मैं भी थोड़ा सा थोड़ा आश्चर्य हो गया, बोल रही स्क्रम मास्टर रहता है, हर दिन हम लोग को यहाँ का अपडेट देना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। मैं काफी प्रभावित हुआ कि यार हर दिन काम के बारे में कुछ ना कुछ तो बातें हो रही है, मतलब ये सबके सामने बातें हो रही है, भले सबके सामने
पता चल रहा है कि हर कोई काम कर क्या रहा है, हम्म, तो स्क्रम मास्टर बनने की काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी जाग गई। तो 2011 में, 2010-11 में मैंने पहली बार स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन किया, तो समझ में आया कि ये रोल और रिटेल में होता क्या है। देन आई गॉट अ चांस इन यूएस टू परफॉर्म दैट रोल इन 2013। 2013 से लेकर 2015 तक मैं यूएस में था, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स के आसपास, और वहां पे स्क्रम मास्टर का रोल परफॉर्म करते हुए समझ में आया कि ये तो सिर्फ ये रोल फैसिलिटेशन का लगता है कि भाई मीटिंग कंडक्ट करवाओ, और अजाइल में लोग जो है कह रहे हैं कि भाई नियम है, कानून है, प्रिंसिपल है, प्रैक्टिसेस है, सब हो रहा है, लेकिन हर कोई अपने मनमानी में लगा हुआ है। मैं स्टैंडर्ड मीटिंग करवाता था, जो 4 लोग आते ही नहीं थे, कहते थे कि भाई समय की बर्बादी करवा रहे हो, हमको तो पता है हमें क्या करना है। अब आप एक कमरे में ले जाके हमसे बुलवाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं होने वाला, उससे काम हो जाएगा थोड़ी है। तो मतलब समय की बर्बादी क्यों करना इतनी मीटिंग में, ऐसे सवाल आया करते थे हम। और उसके तहत ये समझ में आया कि यार ये कैसे इन लोग की माइंडसेट को चेंज कैसे करें, या कैसे इस पर करें। बहुत इसके ऊपर बहुत बड़ा शब्द आता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये शब्द इतना हेवी है कि हर किसी को लगता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अजाइल में। अब कोई टीम आ गई, कोई टीम काम कर रही है, आपने लीडरशिप ने बोला कि भाई ये करना है, तो अब इसके आगे करने के लिए करना क्या है एक्चुअली, प्रैक्टिकलिटी में कैसे करूँ। जब टीम तो काम तो हो रहा है, हर किसी को प्रोडक्ट डिलीवर करना है। ऐसे करते करते मैं वहां से जब वापस आया, एक अच्छी जर्नी वहां पे हुई, आई केम बैक टू इंडिया, देन आई अगेन स्टार्टेड परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अजाइल प्रोग्राम मैनेजर। ऐसे करते करते ये कोचिंग का थोड़ा सा दिमाग में आया, बिकॉज मुझे स्केल अजाइल में ये रुचि आ गई, क्योंकि उसमें काफी सारा काम किया। और ऐसे करते हुए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करना चालू किया, व्हेन आई फेल्ट दैट वी आर गेटिंग सक्सेसफुल टू मीट द सक्सेस क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देन आई फेल्ट दैट या दिस इज द राइट अप्रोच टू गो। कुछ उसके ऊपर अलग अलग तरीके तर्क वितर्क लगाए गए कि कैसे किया जाए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। एंड देन आई मूव इन टू द रोल ऑफ ट्रेनर एंड कोच फ्रॉम 2018-2019, तब से मैं यही कर रहा हूँ। और फिलहाल मैं अभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में एविडेंस में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ मैं ओवरऑल अजाइल ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेटिव एआई और अजाइल का फ्यूजन कैसे किया जा सकता है, और ओवरऑल प्रैक्टिस को लीड वक्त जहाँ कर सकते हैं वैसा करने काम करता हूँ। तो 18 साल की जर्नी रही है, और आगे भी गलतियों की जर्नी जारी रहेगी। और जहाँ तक आपने कहा अजाइल के बारे में, तो ये एक सोच है, ये कोई काम करने का तरीका नहीं है, ये हमारे काम करने के सोच का तरीका है। तो जैसे बचपन बचपन में नहीं होता था कि मम्मी बोलती थी कि भाई 100 रुपए दिए हैं, ढंग से खर्च करियो, तो हम लोग चले गए स्कूल, चले गए स्कूल से वापस आए तो 100 में से कितने खर्च हो गए, 80, 20 बचे हैं। तो मम्मी पूछ मम्मी कान पकड़ के पूछती थी कि 80 रुपए कहाँ खर्च किए हो। ये सवाल हम सबको पेनफुल लगता था बहुत ज्यादा, ये सवाल पूछा क्यों जा रहा है। ये बेसिकली हमारे जीवन काल में हमेशा से स्टैंडर्ड मीटिंग रहा है हमारे, जिससे हम दूर भागा करते थे हर दिन। तो ये सारी चीजें हमारे सोच का हिस्सा है अजाइल। ये कोई मेथोडोलॉजी का मतलब ये होता है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके तहत हम काम कर सकते हैं, इसलिए उसको मेथोडोलॉजी कहते हैं, फ्रेमवर्क नहीं कहते हैं। फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क का मतलब होता है वो ढांचा जिस जो नियम कानून से बना हो। अभी घर में हर घर के परिवार, अभी सिंपल सी भाषा है, अभी आपके घर में अगर मुझे आना है तो सब लोग चप्पल बाहर रखते होंगे, घर में एंटी चप्पल से कोई पकड़ता नहीं होगा। अब अगर 10 लोगों ने चप्पल बाहर रखी है और मैं नहीं, मुझे तो अंदर रखना, अंदर चप्पल पहन के जाना है, तो मैं थोड़ी पहनूंगा, मैं बिल्कुल बाहर निकाल के अंदर आऊंगा, चप्पल चप्पल बाहर निकालूंगा फिर अंदर आऊंगा घर में आपके। हाँ जी ये फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क का सिद्धांत संस्कार बन गया वहां पे कि सबने बाहर निकाल दिया, पर वो संस्कार देने वाला काम अजाइल करता है कि ये हमारे काम करने के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं, ये अगर इस पे आप फॉलो कर रहे हो तो आपके फ्रेमवर्क काम में आएंगे। अगर आप अपने फ्रेमवर्क से काम कर रहे हो, घर में जाकर के सबके साथ आप संस्कारित रूप में बैठे हैं, हर किसी के माता पिता की इज्जत कर रहे हैं, बात करते वक्त आप अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो कोलैबोरेशन जो है अच्छे से होगा, बातचीत अच्छे से होगी, वो कोलैबोरेशन के साथ में जो है आगे बढ़ते जाओगे। बस यही है और कुछ नहीं है अजाइल, क्या है, आप एक टीम में काम करते हो, आपका आपके और मेरे संस्कार पहले स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे। हम एक टीम का हिस्सा बनने के लिए गए, 5 नए लोग आ गए, अब पांचों पांचों लोग अलग अलग दिशा से आए हुए हैं, बोले मैं तो मेरे को तो पसंद ही नहीं आया यार, ठीक से बात ही नहीं करता है, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो पहले क्या होता है, पहले फॉर्म किए, हाय हेलो हाउ आर यू, शाम तक मालूम पड़ा कि तुम जो हो मतलब
नॉनवेज खाने वाले आदमी हो, हम तो वेज खाने वाले आदमी, कैसे बैठे इनके साथ खाना खाने। स्टॉर्मिंग फेज में आएगा आदमी, स्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि भाई नहीं मुझे तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई, नहीं मैं, हम जज करते हैं ना टीम मेंबर को भी बहुत बार, तो ये ऐसा होगा नहीं वैसा होगा, इस तरीके से होता है। धीरे धीरे जब मालूम पड़ता है कि नहीं अरे इसमें खूबियां बहुत हैं, काम अच्छा जानता है, सीखने को मिलेगा, अच्छी दोस्ती तो हो सकती है, बाकी चीजें तो इग्नोर हो जाएंगी। हाँ जब ऐसी चीजें चालू होती है हम नॉर्मिंग फेज में आते हैं, हाँ और जी जब हम नॉर्मिंग फेज में आके जब हमें लगता है कि नहीं हमारी थोड़ी छोटी मोटी मुसीबतों में ये इसके टैलेंट, इसका नॉलेज और इसकी इच्छा शक्ति जो है ये हमारे लिए काम आ रही है, तब हम एक टीम मेंबर की तरह बर्ताव करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम परफॉर्मिंग फेज में आ गए हैं। ये ओके सेम चीज हमारे दोस्तों के साथ भी होती है, बचपन में कितने दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें साथ रहते हैं लड़ाई के समय, बस दिन भर बहुत हमको बोल चिढ़ा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। तो बेसिकली टीम वर्क, ये सारे एस्पेक्ट्स अजाइल के कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत पहले से हैं, और ये ओके सिर्फ काम में नहीं, ये बिना बिना आईटी वर्ल्ड के काम के अलावा भी घर में बाहर हर जगह हम ऐसी सोच रखते हैं। करेक्ट बहुत सिंपल है, वीकेंड पे, वीकेंड आने से पहले प्लानिंग करते हो कि नहीं, वीकेंड में 2 दिन क्या करना है, तो स्प्रिंट बिल्कुल प्लानिंग है यस हर दिन 24 घंटे का स्प्रिंट ही तो है, और क्या है। और रिव्यू करते हो, बैकलॉग क्या है, बैकलॉग मतलब भाई क्या क्या आइटम करना है मेरे को, मॉल में जाके कौन कौन से आइटम खरीदने हैं मेरे को, या मुझे ओके खरीदने की इच्छा ना भी हो, बीवी को हो, तो मुझे बाहर टाइम पास क्या करना है, जो भी हो, ये सारे एक्टिविटी जो हम दिनचर्या निकाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये हमारे हर दिन के एक्टिविटी से आते हैं। इसलिए कहते हैं कि रादर देन डूइंग अजाइल बी यू नो ट्राई टू बिकम और यू नो प्रैक्टिस बीइंग अजाइल। अब बीइंग अजाइल हम लोग हैं, इट इज जस्ट अबाउट अ रियलाइजेशन कि इस तरीके से काम करने का तरीका होता है, सच्चाई को सामने लाना है जो वाटरफॉल में नहीं हो पाता है। अजाइल में हर दिन सच्चाई आती है। अब अगर पिता सामने से आके हर दिन पूछे कि बता जरा बेटा दिन भर क्या क्या किया, जरा सच्चाई बाहर आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल इसे तो भागते रहे बच, इसे तो भागते रहा मैं, और हम बहुत सारे लोग भागते रहते हैं, नहीं पापा से नहीं मिलना है, पापा तो सवाल पूछना चालू कर देंगे, तो फिर तो क्या करें, कहाँ गए थे, किधर गए थे, कहाँ मिल रहे थे, कितना देर बाहर थे, ये करेक्ट सारे सवाल जवाब बचपन में पिताजी करते थे तो बुरा लगता था, बड़े होने के बाद समझ में आया कि सवाल सही थे, नहीं होते तो हम आज ऐसे नहीं होते। अजाइल पे काम करने का तरीका इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी और इन टर्म्स ऑफ आईटी वर्ल्ड, ये अभी अभी विकसित हुआ पिछले 15-20 सालों में, ये कहीं ना कहीं हमारे इनकलकेट हमारे सोच में बहुत पहले से है। बीइंग डिसिप्लिन, बीइंग प्रैक्टिसिंग एजिलिटी एंड बीइंग बीइंग सिंपल टू एग्जीक्यूट एनीथिंग इज समथिंग दैट वी नो, वी आर जस्ट बीन मेड रियलाइज अबाउट इट इन द वेज ऑफ वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दैट्स ऑल। ओके आई थिंक दैट इज हाउ आई विल सम इट अप। परफेक्ट सो यू हैव मेंशन सो मेनी थिंग्स इन योर इंट्रोडक्शन व्हिच इज रिलेटेड टू अजाइल क्यों आया कैसे है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी तक निकल के आई है वो यही है कि क्वेश्चंस को आस्क करना वो भी राइट डायरेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये मेरे को आई है अभी जल्दी तक मैं समझ लूँ। सर जब क्वेश्चंस आते हैं तो हर किसी का आंसर भी अलग अलग होता है उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जिसमें मान लीजिए कि जब आपने मीटिंग सेटअप करनी होगी ग्रूमिंग मीटिंग अजाइल को लेके आपकी 4 वीक्स की स्प्रिंट है आपने इनिशियल लेवल पे स्टोरी पॉइंट्स मांग लिए अपने टेस्टर से कि इतने पॉइंट्स आप करो लेकिन उसने बोला कि एक पर्टिकुलर टिकट के लिए डेवलपर ने 2 स्टोरी पॉइंट्स दिए हैं और हमारी 1 स्टोरी पॉइंट इज इक्वल टू 8 वर्किंग आवर्स मतलब 1 डे। छोटी टिकट थी उसने 1 दे दिए ठीक है। अब टेस्टर ने वही चीज करी कि टेस्टर ने भी 1 स्टोरी पॉइंट दे दिया लेकिन यहाँ पर आपका स्क्रम मास्टर या जो भी प्रोडक्ट ओनर है जो एजाइल का पूरा कर रहा है इसमें उसने बोला इसमें इतना टाइम तो नहीं लगेगा। ये वाली चीजें सर कैसे मैनेज होंगी क्यों क्योंकि टेस्टर मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है उसने तो बोल दिया कि इसने एक लिया तो मैं भी एक ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ना कॉन्फ्लिक्ट अकर हो जाते हैं और हमें उन कॉन्फ्लिक्ट को ही बचा के अपने स्मूथ डिलीवरी पे काम करना है। दैट इज वाई अजाइल का एक माइंडसेट सब में डेवलप होगा। तो ये वाली चीज सर काउंटर क्या इसको हम किस तरीके से मतलब हैंडल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत रियल लाइफ बहुत प्रॉब्लम बढ़िया सवाल पूछा आपने, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। है। आपका लोकेशन कौन सा है, मैं अंदर भूल गया है। न्यू दिल्ली सर अभी दिल्ली से पूना की दूरी कितनी है? करीब करीब होगी 1000 किलोमीटर के आसपास होगी। अभी आप फ्लाइट से अगर आएंगे तो कितना समय लगेगा? 2 घंटा? 2 दिन से ज्यादा ही 2 घंटा लगेगा लगेगा? दो हाँ, 3 दिन 2 घंटा लगेगा लगेगा मुझे फ्लाइट से, कुछ 2 घंटा लगता है, 1.5 घंटे के आसपास का फ्लाइट है। 1 घंटा 45 मिनट हाँ, ट्रेन से आएंगे तो 24 घंटा पकड़ लीजिए, मिनिमम 24 घंटे बराबर। हाँ जी अभी दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत दिक्कत नहीं बोलूंगा मैं, ये हमारे सबके जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें इनकलकेट कर दी गई है कि हम एफिशिएंसी को घंटों से ही सीखते हैं। बिल्कुल
अभी आपको अगर सपोज करो कहीं जाना है तो कितना समय लगेगा, हम ये पहला सवाल पूछते हैं। और पूरी दुनिया को समय के हिसाब से ही हर चीज को आंकने की आदत है। अभी आप ये सोचो कि दिल्ली से पुणे में जाना कितना मजा आएगा, ये नहीं पूछेगा आदमी। अच्छा अरे इतना अच्छा 2 घंटे में तो काफी अच्छा, 2 घंटे में तो अच्छा कुछ क्रिएटिव प्रोडक्टिव कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब हम फ्लाइट में बैठ जाते हैं और फ्लाइट निकल नहीं रहे हो तो कितना समय और लगेगा, कितना डिले होगा। ये चीजें हमारे अंदर ऐसे हमारे जेनेटिकली बैठ गई है अंदर कि हमें हर किसी चीज को घंटे से लिंक करने की आदत पड़ी हुई है, जबकि उसकी उस इंफॉर्मेशन का कुछ वैल्यू नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे नहीं है। अब मुझे अगर पूना से बॉम्बे जाना है, मुझे मालूम है पूना से बॉम्बे जाने के इतना डिस्टेंस है, मैं जब फ्लाइट बुक कर रहा होता हूं तो मुझे पता होता है कि नॉन स्टॉप फ्लाइट का ड्यूरेशन कितना रहेगा। उसके वो इंफॉर्मेशन पता होने के बाद भी बार बार मैं उस इंफॉर्मेशन को तराश रहा होता हूं। ये हमारी आदत होती है। अभी अगर आपको ये पता भी चल जाए कि भाई अगले 4 घंटे बाद मुझे दोस्तों से मिलना है, आपको पता है 4 घंटे बाद मिलना है, लेकिन जब क्यूरियोसिटी होती किसी दोस्त से मिलने की तो आपका टाइम जल्दी निकलता है, या आपको लगता है कि यार मैं कुछ करूं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि भाई हम समय की तरफ ध्यान देते नहीं है। जब आप दोस्तों के साथ बैठे हो तो मालूम नहीं पड़ता 2 घंटे या 3 घंटा निकल गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये, इट्स अ माइंडसेट जहां पर बहुत बार डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, इन सबको एक दूसरे की एफिशिएंसी को आंकने के लिए आवर्स ही एक फैक्टर दिमाग में रहता है, जबकि उसका सिग्निफिकेंस एज ए एजिलिटी या ग्रोथ माइंडसेट कोई नहीं है। आपके पास में एक स्प्रिंट में 10 दिन दिए गए हैं, 10 दिन निर्धारित है। जब 10 दिन निर्धारित दिए गए हैं तो उसमें कौन सा बंदा कितना घंटे काम करेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। आपने तो कमिटमेंट कर दी काम करने की, कि भाई सब पूरी टीम मिलके जो है हम 10 स्टोरी पे काम करेंगे। आप सब मिलके 10 स्टोरी का काम खत्म करिए, कौन कितना लगाता है घंटा, कौन कितना एफर्ट लगाता है, ये धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी उस पर छोड़ दीजिए। लेकिन स्क्रम मास्टर या कोई आर्किटेक्ट आके उसको इन्फ्लुएंस करे कि ना बाबा ये तो 2 घंटे में हम कर सकते हैं, तुम 5 काहे बोले, तुम 3 क्यों बोले, ये इंफॉर्मेशन वैल्यूबल कैसे हुई, इससे क्या वैल्यू मिल रही है। इससे वैल्यू क्या ये मिल रही है कि भाई आप खाना 2 घंटे में, आप खाना 15 मिनट में खा सकते हो, मैं 20 मिनट में खा सकता हूँ। अरे भाई डाइजेशन हर किसी का अलग अलग है, हर किसी के अंदर रक्त का संचार और संचय अलग अलग तरीके से होता है। बिल्कुल तो मेन मुद्दा क्या, आउटकम क्या है, पेट भरना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए कि मैं खाना खा लिया। जी हमारे हमारी टीम को यह लगना चाहिए कि भाई सबने साथ मिलकर काम किया। तो ऑब्जेक्टिव यहां पे यह है कि एजिलिटी इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल पीपल टू बी एक्सपर्ट, वी आर सपोज टू मेक अ टीम एन एक्सपर्ट। एंड टीम एक्सपर्ट तब बनती है जब हम हर किसी को अपने उस स्पेस में एक्सेप्ट करें और उनको मोटिवेट करें कि आप अपने खुद का बेंचमार्क रखिए, यू डिफाइन योर ओन एफिशिएंसी। दैट इज हाउ एजिलिटी कैन बी ब्रॉट इन प्लेस। सिंपलिस्टिकली आपके पास में 24 घंटे का समय दिया गया है, कोई अगर आपको बार बार पूछे कि यार 24 घंटे में तुमने 18 घंटे क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, कैसा लगेगा बहुत इरिटेशन आप। इरिटेशन लगेगा एक तरीके से, और फिर अपने पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा, प्रेशर भी लगेगा, फिर शायद जो प्रोडक्टिविटी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। बिल्कुल, अगर मैं आपको ये पूछूं कि 18 घंटे में से यार कितने समय, 18 घंटे में से आज दिन में तुम मजा क्या आया करने में, व्हाट वाज द मोस्ट हैपनिंग थिंग यू डिड टुडे, राइट, व्हाट वाज द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेटिस्फैक्शन यू हैड टुडे, हाउ डिड यू मेक अदर्स प्रोडक्टिव, व्हाट इज दैट यू टुक अ स्टेप अहेड टू बी बेटर देन यस्टरडे। यू नो दीज आर द क्वेश्चंस दैट जनरेट वैल्यू एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली। यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग वैल्यू टू योर टाइम। लोग कहते हैं प्रॉब्लम और एक बात है, किसी ने बोल दिया टाइम इज मनी। अब ये आई डोंट नो किसने कोट किया है, इफ यू आस्क मी टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज अ इटर्नल थिंग जो कंसिस्टेंटली चल रही है, उसको हम रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वैल्यू, व्हाट इज अ वैल्यू यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन टेबल, यू रिलेट दैट विद मनी एंड सेटिस्फैक्शन, दैट इज हाउ यू डू इट। इसीलिए हर कोई 1 पॉइंट इक्वल टू 8 आवर्स क्यों करता है, सिंपली सिंप्लीफाई करने के लिए, जबकि पॉइंट्स और आवर्स का रिलेशन नहीं होता है, कोई कोई रिलेशन नहीं है। अभी अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई आप अगर मुझे देखें, आपकी हाइट कितनी है अंदर, 5 सेवन आपको मेरे को देख क्या लगता है मेरी हाइट कितनी होगी,
6 चलो, मैं 6 फीट का हूँ, आप 5 फीट 7 इंच के हैं। हम दोनों को इस वक्त देख के कोई भी बोलेगा कि यार 1 से 10 के स्केल पे नंबर देना है। चलो साइजिंग के बेसिस पर कोई भी मुझे 10 देगा, आपको 5 देगा या 6 देगा, वो ये आदमी ज़रा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब ये एक स्केलिंग मैकेनिज्म हो गया कि गंधर्व जो है एक तरीके से एक रिलेटिव साइजिंग का फैक्टर हो गया कि इससे कोई बड़ा है तो इससे कोई छोटा है दिखने में। तो आप साइजिंग कर रहे हो कि कौन कौन किससे बड़ा, बेस्ड ऑन टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ड ऑन वॉल्यूम, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क, तीन फैक्टर्स है। अब वॉल्यूम मेरा ज्यादा है क्योंकि मैं मोटा दिख रहा हूं, मैं हूं वैसे हूं, आप फिट दिख रहे हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी सोच की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी हमारे हैबिट्स की हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी मेरे लेजीनेस की और आपकी फुर्तीनेस की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। रिस्क हो सकता है, रिस्क हो सकता है, रिस्क रिस्क ये भी हो सकता है कि अगर हम फाइट कर बैठे तो कहीं आप मुझे पटक दो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन फैक्टर्स के ऊपर सोचना और कौन सा इसमें से स्टोरी किससे ज्यादा बड़ी है ये पता करना स्टोरी पॉइंट है। इसमें घंटे कहीं नहीं आ रहे, इसमें ये नहीं आ रहा कि यार आप कितने घंटे में खाना खत्म करोगे, मैं कितने घंटे में खाना खत्म करूंगा। नो यार, हम दोनों टेबल पर अगर बैठे खाना खाएंगे तो ये थोड़ी डिस्कस करेंगे कि तुम कितने घंटे, हम दोनों तो वही बराबर चेरिश करेंगे मोमेंट कि भाई साथ में खाना खाएं। वही बिल्कुल तो हमें टीम में करना है, डेवलपर, टेस्टर, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, ये सारी टीम अगर मिल के चेरिश करे कि भाई कैसे इसको एंजॉयबली जल्दी से जल्दी क्लोज करके वैल्यू प्रोवाइड करें फ्यूचर डिलीवरी में, तो मजा आ जाएगा कि हमारा स्प्रिंट गोल अचीव हो गया। लेकिन माइंडसेट उससे ज्यादा उन चीजों पे रहता है जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ये वही वाली बात है कि अगर आपके एनवायरनमेंट में 10 लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई एग्जाम में जो है इस सवाल का जवाब तो मेरा 31 आया था और हम ये सोचे पड़े कि हमारा 5/7 क्यों आया, पर हम बात नहीं कर पा रहे कि हमारी गलती क्या हो गई, राइट? तो हर हर किसी को लगता है कि नहीं यार ये 2 घंटा बोल रहे तो शायद हम में कमी होगी, हम 2 घंटे में नहीं कर पा रहे, एंड दैट बिल्ड्स अ प्रेशर विच इज अ फिक्स्ड माइंडसेट अप्रोच। सो आई थिंक द क्रक्स हियर इज दैट इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, इट इज मोर अबाउट अ टीम परफॉर्मेंस, बट दैट टीम परफॉर्मेंस शुड एनेबल एवरी इंडिविजुअल टीम मेंबर टू सेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन देम सेल्स कि हम कैसे अपना बेटर वर्जन हर दिन कर सकते हैं। सर आपने वर्जन की बात बोली है तो यहाँ पर ना चेंज रिक्वेस्ट अपने आप वर्ड एक ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हम अजाइल की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखता हूँ, जैसे मैं जिन क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ तो वो सारे इंटरनेशनल है, डिफरेंट टाइम जोन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। और प्रोडक्ट ओनर ने एक स्प्रिंट बना दी, स्प्रिंट 1 चल रही है और पहले ही स्प्रिंट में मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट क्यों हो गए। 4 वीक्स के स्प्रिंट थी, 3.5 स्प्रिंट वाला आज मेरा स्प्रिंट ना खत्म हो चुकी है, सिर्फ 3 साढ़े 3 दिन बच गए हैं मेरे पास। थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे बचा बस मेरे पास। छोटा सा चेंज आ गया कि फील्ड का नाम चेंज कर दो, डेटा टाइप चेंज कर दो, बहुत छोटा रिक्वेस्ट है। उन्होंने टिकट बना दी, स्टोरी पॉइंट डेवलपर ने बोला 0.5, ज्यादा नहीं, बफर लेके चला। टेस्टर से पूछा गया तो टेस्टर कंफ्यूज, क्यों? क्योंकि उनके लिए छोटी चेंज रिक्वेस्ट एक चेंज है, बट टेस्टर के लिए इम्पैक्ट एनालिसिस और रिग्रेशन एक नई दो चीजें यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पर फिर अजाइल भी है जो एक हमारे पूरे प्रोसेस को एकदम ट्रांसफॉर्म कर रहा है ताकि सबको क्या करना है पहले से ही पता है। बट ये छोटी सी चेंज रिक्वेस्ट आने से जो मेरा एग्जिस्टिंग काम हो रहा है, मेरा काम तो वो चल ही रहा है, बट नया काम आने से एग्जिस्टिंग वाला हैम्पर होने का पूरा यहाँ पर इम्पैक्ट होने वाला है। तो वो वाली प्रोसेस को हम एज एन अजाइल आप कोच हो तो वो किस तरीके से हम अपनी टीम में ये एक माइंडसेट बना ले कि इससे प्रॉब्लम नहीं होने। ये ना बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है, बहुत ही मतलब बहुत ही गुड एग्जाम्पल्स यू ट्राइंग टू ब्रिंग इन, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। कभी मतलब ये सवाल मैं बहुत बार अपने टीम मेंबर्स को पूछता हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, जब ये सब क्वेश्चंस आते हैं या फिर ऐसी कुछ चैलेंजेस थ्रो करते हैं कि हम कर नहीं पा रहे हैं, लोग कम है, कैसे करेंगे, उसमें होता है ये एक सवाल मेरा रहता है कि यार कभी आपने अपनी मदर से पूछा है कि कौन कौन से एक्टिविटीज ऐसे दिन भर के आपकी होती है वही जहां पे आप डेवलपमेंट करते हो और टेस्टिंग नहीं करते, और वहां पे टेस्टिंग में काम ज्यादा लग रहा है डेवलपमेंट में कम लग रहा है। इतने साल से मतलब मेरा ये कहना है, सबसे पहले मैं इसमें इसको 2 पार्ट में आंसर करूंगा। चलो गंदर, ये बताओ कि बचपन में आपको टिफिन बॉक्सेस मिलते थे क्या मम्मी से, हाँ, मिलता था टिफिन बॉक्स पूरा सब कुछ। मतलब नर्सरी जब से स्कूल चालू किए होगे तब से लेके 12वीं क्लास में मिल रहा होगा?
हाँ मतलब तो जब मिलता ही था, मतलब ये तो एक बिल्कुल एक रेगुलर प्रोसेस था, कभी नागा हुआ नहीं सीन। और कॉलेज में थे तब भी, कॉलेज वहीं था जहां मम्मी थी या कहीं और रहते थे? हाँ, वहीं था कॉलेज, बट कॉलेज लेवल पे थोड़ा चीजें कम हो गई थी कि मतलब आओ क्योंकि नहीं। आपको बाहर खाना था, तो मम्मी चाहे तो आपको हर दिन टिफिन देने ही वाली थी, हाँ वो तो आपके चॉइस पे आ गया कि नहीं आप बाहर खाते हैं थोड़ा एग्जैक्टली। दोस्तों के साथ हो गए। तो मुझे पूरे बचपन में बताइए, कभी ऐसा इंस्टेंस हुआ आपके साथ में कि मम्मी ने सुबह उठ के आपको बोला हो, आंटी जी ने, आपकी माता जी ने कहा कि बेटा आज तो ना हो पाएगा मेरे साथ, नहीं कभी आज नहीं, ये ले पैसे जाके बाहर खा ले, कभी बिल्कुल हुआ नहीं। आपको? नहीं, आपको नहीं लगता ये अपने आप में बहुत बड़ी मैजिक है, जादू है ये? ऐसा मैजिक है, कंसिस्टेंसी है, पूरी डेडिकेशन है, और एक पता है कि गोल है कि इनको भूखा नहीं रखना, अपने हाथ से घर का जो बिल्कुल है बिल्कुल एक डेडिकेटेड चीज। बिल्कुल है। अब ये पूरे इसमें कहीं पे भी, मतलब रात को 2 बजे कभी माता जी आपकी सो गई हो, बीमार हो, कुछ भी हो, सुबह उठ के टिफिन बनाते समय टिफिन का डब्बा खुलता नहीं है, इतना टाइट बना, इतना ज्यादा भर के मिल जाता टिफिन। माँ जब टिफिन बना के देती है तो हमेशा ऐसा पैक रहता हो, वो अलग बात है, जब बीवियां देती है तो वो देखते हुए लगता है क्या बहुत ही कम दिया गया, वो अलग अलग टॉपिक है ऑल टुगेदर। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसमें सबसे पहले कमिटमेंट की बात आती है, डेवलपर और टेस्टर ना ये रोल ही गलत है, टीम मेंबर ये एक ही रोल होता है। आप डेवलपर टेस्टर अलग अलग विभाजन करना ही अपने बारे में सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल जब हम कहते हैं कि डेवलपमेंट को 0.5, भाई मेरे को तो बस एक डेटा टाइप ऐड करना, अरे भाई तुमने एक फील्ड ऐड कर दिया, पर मेरे मुझे तो पूरे फ्लो को टेस्टिंग करनी है, बिल्कुल और मेरे फ्लो को टेस्टिंग को तुमने अपना काम समझा क्यों नहीं? हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल विथ रिस्पेक्ट टू योर स्प्रिंट डिलीवरी इफ यू डोंट कंसिडर एज अ होल, एज यू नो, कंसिडरिंग एज अ सिस्टम्स थिंकिंग। सिस्टम्स थिंकिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मदर्स हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अगर ये बात सोचनी है तो हमें उनकी डाइवर्सिटी को थोड़ा समझना चाहिए। कुछ नहीं करना है, एक बार बस मम्मी से फोन पे बात करके इतना पूछना है, कैसे मैनेज करते हो अपने आप? टीम मेंबर वर्ड का महत्व समझ में आ जाएगा। एक टीम में सिर्फ टीम मेंबर होते हैं, डेवलपर और टेस्टर ये उसके किरदार होते हैं। बिल्कुल टेस्टर को समझना है कि डेवलपर क्या कर रहा है, डेवलपर को लॉजिकली समझना है कि टेस्टर का एफर्ट कितना है। जी जब आप स्टोरी पॉइंट एस्टिमेशन करते हो तो उस टास्क का, उस स्टोरी का करते हो, अपने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का नहीं, कभी भी नहीं करते। अब कोई मियाँ बीवी अगर साथ में रह रहे हैं तो वो थोड़ी बात करेंगे कि भाई मेरा तो 2 पॉइंट का ही कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे घर के इसमें, और तुम्हारा 8 पॉइंट का है, तो तुम्हारा 8 पॉइंट का है तो तुम ज्यादा खाना खाओगे, मैं कम खाऊंगा, ऐसा थोड़ी घर में बोला जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता नहीं बोला जाता। वो तो वन यूनिकनेस वाली बात है, राइट? है। सो अनलेस एंड अंटिल अ टीम डजंट अंडरस्टैंड दैट दे आर प्रैक्टिसिंग टीम वर्क, कंसिडरिंग दैट एवरी यूजर स्टोरी इज देयर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एवरी थिंग दैट एवरी टीम मेंबर इज डूइंग इज मोर सब्जेक्टेड टू एवरीबडीज अंडरस्टैंडिंग, तब तक ये नहीं होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, डेवलपर बोलेगा मेरा काम तो हो गया, तुम देख लो। अब 0.5 उसने दे दिया, लेकिन अब टेस्टिंग टीम मेंबर जो है वो ये कह रहा है कि ये मेरे हिसाब से तो 3 स्टोरी पॉइंट है भाई, ये तो पूरा फ्लो टेस्टिंग करना है, तुम तो बोल के चल दिए। दिस हैपन्स बिकॉज द वे अजाइल प्रैक्टिशनर्स आर ट्राइंग टू गवर्न, ट्राइंग टू कंट्रोल एंड ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग द एजिलिटी इज मोर ऑफ एन अजाइल फॉल। इसको हम अजाइल फॉल बोलते हैं कि अजाइल का ढांचा बना दिया गया है, अंदर वाटरफॉल की सोच ही चल रही है लोगों में कि मेरा मेरा मेरा, जब तक ये मैं का बोलबाला रहेगा ये ऐसे ही चलेगा। इसको तोड़ने के लिए हम पे आना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर वी हैव टू कम विद सम बिहेवियर्स दैट हाउ कैन वी मेक अदर्स प्रोडक्टिव, हाउ कैन वी बी वन स्टेप अहेड ऑफ द अदर्स, एंड हाउ कैन बी प्रूडेंट एंड अकाउंटेबल। अगर ये 3 प्रैक्टिसेस को अच्छे से इंप्लीमेंट करके एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए तो दिक्कतें नहीं आएंगी। सर अभी ना आपने अपना जो एक एक्सपीरियंस शेयर किया उसमें ना दो वर्ड्स के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर दिया कि अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ना आज के टाइम पे जैसे टेस्टिंग में ना टी शर्ट बड़ी फेमस है कि क्वालिटी इज एवरीवन रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपने बहुत देखा भी होगा, इंटरनेट पे भी बहुत है। मेरा थोड़ा सा इसके ऊपर परसेप्शन अलग है, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। प्रोडक्शन में कोड फट गया तो टेस्टर ने देखा नहीं, सब चल गया, डेवलपर ने कोड बहुत अच्छा लिखा था। तो ये जब अजाइल चलता है तब तो एज अ टीम काम कर रहे हैं ना, तब ये वाला जो एप्रिसिएशन वाली जो चीजें होती हैं वो कहाँ पर मेजर होती हैं?
इट मींस कि अजाइल को इम्प्लीमेंट करने पर उसके क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू ये मेजर होता है कि ये वाली जो स्प्रिंट थी या बना था ये एकदम स्मूथ चला था। इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? बढ़िया पूछा आपने। हमारे इसी के ऊपर एक एग्जांपल, और पहले पहले एक छोटा जनरिक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको रिलेट करते हैं इसमें, ठीक है, ताकि इजी पड़े। तो ना मेरी मेरी शादी हुई 2008 में, ओके 21 फरवरी को। अब हो ये गया कि जनवरी के महीने में पूरे रिश्तेदार वगैरह जितने भी थे सब बोले कि यार तुम शेरवानी पहनना, तुम सूट पहनना, ये पहनना, वो पहनना। मैं बोले ठीक है, जो मर्जी देख लो क्या है। तो बोले सूट सिलाएंगे। तो मामा जी बोले कि बहुत ही प्रख्यात एक अपना दर्जी है, उसको बुलाते हैं, बड़ा दुकान उकान जोरदार है उसका, वहां से बनवाएंगे, बढ़िया बढ़िया रहेगा, एकदम हीरो दिखोगे शादी में। तो ठीक है बुला लो। तो आया तो नहीं वो। हो ये गया कि भाई वहां जाके नाप आप देने के लिए गए तो बहुत भीड़ भाड़ थी, तो उसके बाद कैसे तैसे दे दिए नाप, और उसके बाद आ गए। तो ये जनवरी 10 तारीख की बात थी उसी साल में। अब हो ये गया कि तब से लेकर के एंड तक पूरे उसकी जो टीम थी लगी रही काम करने में, सूट सिलवाने में उसने वो। फिर उसके बाद में हुआ ये कि 10 फरवरी या 12 फरवरी के आसपास उसके आदमी ने घंटी मार के बोला कि आपका तो सूट रेडी हो गया है, और एक बार जो है आप आके टेस्टिंग कर लीजिएगा जब मौका मिले। तो घंटी आई, घंटी आके उसने बोला कि सर जब कभी लगे तब तो टेस्टिंग कर लेना, आपका सूट है, जब मर्जी आ जाओ। तो मेरे दिमाग में रहा नहीं बाद में। तो 17 तारीख को फिर फोन आया उसका, 17 फरवरी को, 21 को शादी थी, 4 दिन बाकी रह गए। तो उन्होंने बोला कि सर आप आए नहीं हो टेस्टिंग के लिए, डिलीवरी भी ले लीजिए, फिर आपका शादी संडे को है, 2 दिन फिर छुट्टी आने वाला है, फिर बाद में बोलेंगे ये वो जो भी है। तो उसका जो टेस्ट, उसके जो वो जो बंदा था जो करवाना चाहता था ये मेरे से टेस्टिंग, या फिर फिट करके देखना कि भाई बराबर आ रहा है कि नहीं, वो काफी थोड़ा सा लगा कि काफी चिंतित लग रहा बातों से। तो मैं गया वहां पर, मैं जा करके वहां पे इतनी भीड़ भाड़ देखा मैं, तो मैंने कैसे तैसे जो है सूट का जो है मैंने ऊपर वाला सेक्शन पहन के देखा कि बढ़िया लग रहा है, ठीक है चलो आ गया। तो ना बढ़िया ही बनाए होंगे, मामा जी बोले इतने प्रख्यात दर्जी हैं, ये है वो है, डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्प का सूट बनवाए हैं, बता रहे थे पाप। तो बोले ठीक है जो है सो है, मैं लेके आ गया। अब शादी वाले दिन जो है मैं उसमें घुसने की कोशिश किया तो सूट तो ऊपर का घुस गया, पैंट में घुस ही नहीं पा रहा था। तब समझ में आया कि भाई दिक्कत हो गई, अब तो एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ेगा। अब इसी चीज को अलग तरीके से बोलता हूँ। तो मेरे एक दोस्त था जिसका शादी हुआ था 6 महीने पहले, वो मुझे आके बोला कि केतन भाई ऐसा है कि मेरा ना एक टेलर है, मेरा प्रख्यात तो नहीं है लेकिन उसका काम काफी जोरदार लगा मेरे को। तो 10 जनवरी को जो है वो आके बोला कि भाई उसको घर पे बुला लो, आ जाएगा। वो अपनी टीम के साथ घर पे इतना बुकलेट लेके आया है, और साथ में अपने साथ 2 और लोगों को लेके आया, जो जो मेजरमेंट भी लिए और अपने एक्सपीरियंस के अनुभव के हिसाब से बता दिए कि आपको ऐसे करोगे तो इतना 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 अगर आप हाथ लंबा लेंगे तो फिट बैठ जाएगा। तो बेसिकली ये उसके वही टेस्टर्स थे कि भाई जहां जहां पर जाओगे तो कैसे विजुअलाइज कर रहे हो कि इसके ऊपर कैसे दिखेगा, ये बिल्कुल कैसे अपना टेस्ट केस कैसे देख रहे हो इस प्रोडक्ट के ऊपर, ये इतना बड़ा जो आदमी दिख रहा है 100 किलो का, इसको तुमको बनाना है सूट, सूट बना के जो है कहाँ कहाँ फिट बैठेगा, इसको कहाँ कहाँ से मेजरमेंट लूज छोड़ना पड़ेगा। तो वो सब मेजरमेंट लेके, और जो ओनर आया था उसका बुकलेट लेके आया था बड़ा सा, घर पे चाय भी पिया, समोसा वमोसा खाया, आराम से समय दिया मेरे को 1 घंटा। बोला सर ये ब्लू अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा। तो बोला कि सर 10 जनवरी का डेट आज है, मैं आपको 25 जनवरी को आपको घंटी मारूंगा, मेरा फर्स्ट कट रेडी होने वाला है टेस्टिंग के लिए, आपको बकायदा सुबह रिमाइंडर का मैसेज भी आएगा, मेरा बंदा घंटी मार के बोलेगा, आपके लिए डेडिकेटेड टाइम रहेगा, देखा देख आप आ जाइएगा। तो मैंने एक दिन पहले मैसेज किया कि मैं तो आ नहीं पाऊंगा, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, मेरे 2 आदमी आपके पास आपके घर पे आके आपका सूट का सैंपल लेके आएंगे, आप पहन के देख लीजिएगा। तो मैं वो आया पहन के देखा, मैं बोला यार बढ़िया है, पर वो जो साथ में 2 लोग थे, और सर वो ऐसा नहीं लग रहा है बढ़िया, एक्चुअली आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कंफर्टेबल फिट कर रहे हो, लेकिन जो यहाँ से जो सूट का जो नीचे आना चाहिए पैटर्न वो नहीं ठीक से आ रहा, ठीक है। लगता है इसमें थोड़ा काट छाट और करना पड़ेगा मुझे, आई थिंक जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं है ये। तो हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको फिर 5 फरवरी को मिलेंगे, 5 फरवरी को पूरा फाइनल कर लेंगे और आ जाएंगे, या फिर आप आ जाइएगा। फिर गए दुकान में, मैसेज मिला,
कि भाई ऐसा है, फिर 5 से 4 तारीख को फिर मैसेज आया कि 5 तारीख को मिलना है, तो मुझे रिमाइंडर भी आ गया कि भाई 5 तारीख को मिलना है। फिर मैं इस बार मैं गया वहां जाके देखा तो एकदम तामझाम, चाय वाय शरबत वरबत रखा हुआ था, ये टेस्टिंग वेस्टिंग किए, वो आके देखे सर बढ़िया लग रहा है, तो बोले हो गया, बोले सर नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया। अब आपको जो है 11 फरवरी को जो है आपको अपनी होने वाली मिसेज को साथ रहना होगा और उनके सामने टेस्टिंग करवाइएगा कि भाई बराबर दिख रहे हो कि नहीं, वो फाइनल देंगे रिजल्ट। ये जो है उसके साथ के दो लोग बोले एक्सपीरियंस है कि सर एक्सपीरियंस से ऐसा हमें दिमाग में आया है कि आपको जो चीज पसंद आ गई जरूरी थोड़ी कि उनको पसंद आ जाएगी, बिल्कुल तो आप अपनी होने वाली वाइफ को भी लेके आइएगा। 11 तारीख को होने वाली वाइफ के साथ आया तो उसने और 3 मॉडिफिकेशन बोल दिए, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो साथ में डेवलपर काट छाट करने वाला और टेस्टर जो उसके साथ जो नरिशमेंट करता है आखिर में, वो दोनों तीनों टीम मेरी वाइफ की तरफ केंद्रित थी, ये क्या बोल रही है, और उसके हिसाब से बोला कि फाइनल वाला जो सर आपको वर्जन है वैलेंटाइन डे के दिन आ जाइए 14 तारीख को और लेके चले जाइएगा। तो 14 को हम दोनों साथ में गए, मैं और मेरी होने वाली वाइफ, वहां बातचीत किए, फिर हमारी जो मैडम है वो बोली कि नहीं कफलिंग चाहिए, नहीं ये चाहिए, नहीं वो चाहिए, और एडिशन करवा के फाइनल प्रोडक्ट लेकर के आ गए। ठीक है, अब ये दोनों में से कौन सा बढ़िया था, पहला वाला कि दूसरा वाला? ऑब्वियसली सेकंड वाला, क्योंकि वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच भी ज्यादा लग रही है, और प्लस वो आपको यस सीरियस भी हैं पर्टिकुलर डिलीवरी को लेके, जिसके थ्रू वो आपको रिटेन करने का भी नेक्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो ये यस जरूर। अभी करेक्ट। अभी इससे क्या है कि बहुत बार क्या होता है, अप्रिसिएशन की जो बात कर रहे हो, सबसे पहले जैसे कि पहले मैंने कहा, जब प्रोडक्शन में कोई चीज इंपैक्ट कर जाती है, जब समोसा खाते वक्त कंकड़ आ जाता है मुंह में, तो सबसे पहले उसको नहीं पकड़ा जाता है जिसने आलू को क्रश किया था, उसको नहीं पकड़ा जाता है जिसने बेसन बनाया था, उसको भी नहीं पकड़ा जाता है जो तलते वक्त उस रॉ समोसे को उसमें डाला था, पकड़ा जाता है उस आदमी को जो समोसा सर्व कर रहा, जबकि उसका इस पूरे ही एक्टिविटी से कोई संबंध नहीं है, बराबर, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी उसकी बनती है क्योंकि वो टीम का पार्ट है। अब इसमें यह है कि वो पूरा का पूरा झुंड किस तरह सपोर्ट करता है उस चीज को, यहां पे आता है। जब प्रोडक्शन के रोल आउट के समय अगर कोई बग फंस गया और वो पकड़ में नहीं आया, जब ये सवाल आता है, तो पकड़ में ना आने वाला सवाल ये उस बंदे के लिए नहीं, उस पूरी टीम के लिए है, क्योंकि ये कहा जाता है कि डेवलपर ने तो अपना काम कर दिया, रिव्यूअर कौन था। तो हमारे इसमें हमेशा से ही, मतलब ये हर किसी के अपने कल्चर में एक फैक्टर आ जाता है, एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि गलती पकड़ी जाना, इसकी जो हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि 100% होगी, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि गलतियां होंगी, इससे बचे कैसे, ये सोच कैसे जल्दी ला सकती है, लाया जा सकती है। तो प्रोडक्शन रोलआउट के समय अगर टेस्टर्स हैं, वो टेस्टर्स टेस्टिंग करने वाले हैं, उनका काम है, तो वो सामने दिख रहे हैं, तो उनसे सवाल पूछा जाता है, लेकिन इस वक्त डेवलपर को भी सामने आके बोलना है कि दिस इज अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू डू यूनिट टेस्टिंग अबाउट इट, वी ऑल्सो हैव टू बी इन द कॉल देयर टू सपोर्ट आर टेस्टिंग टीम मेंबर्स टू से दिस इज आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट इट इज बिन डन टूगेदर। एंड दिस एक्चुअली हैपन्स जब वो दुकान का मालिक समोसा वाला बोले कि सर मुझसे बात करिए, मैं माफी मांगता हूं कि कंकड़ आ गया, मेरी टीम की गलती नहीं है, हो जाता है, आई टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये आता है तो मोटिवेशन मिलता है कि सब बराबर है, अप्रिसिएशन हुआ तो सबका होगा, नहीं हुआ तो जिम्मेदारी पूरी टीम की बनती है कि वो किस तरीके से आगे आ जाए। मतलब एक टेस्टर को बोला गया तुमने मिस कर दिया, तो डेवलपर को आकर बोलना उसने मिस नहीं किया है, उसने मिस नहीं किया, वो ओवरलुक हुआ, पर उसने मिस किया या कैसे काम किया इसके बारे में जांच पड़ताल मैंने भी नहीं की कि उसे कहीं मेरी मदद की जरूरत थी क्या। अब बहुत बार होता है कि टेस्टर्स को सोचा जाता है कि यार ये तो इन्होंने अपना काम, इन्होंने इन्होंने हाँ बोलने वाला सब बराबर है, सब निश्चिंत हो जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो टेस्टर्स जो है पुलिस वाला काम ही तो कर रहे होते हैं, पुलिस कहता है कि यहाँ कोई चोर नहीं है तो सब सो जाते हैं, वैसे ही है कि टेस्टर ने कह दिया कि भाई सब बराबर चल रहा है तो सब सो गए, पर टेस्टर्स के हिसाब से उनको सपोर्ट देने के लिए, उनकी उस कॉम्पिटेंसी को थोड़ा मोटिवेट करके एक गार्ड रेल देने के लिए ऊपर हर टीम मेंबर को बाकी कॉम्पिटेंसी को भी आगे आके साथ में साथ करना चाहिए। एंड इसको करने के लिए एक तरीका होता है, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म द ट्रांसफॉर्मर्स, दिस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर यू बेसिकली यू हैव ट्रांसफॉर्मर्स इन योर टीम्स और एवरी टीम इज अ ट्रांसफॉर्म, एक ट्रांसफॉर्मेशन में हर टीम एक ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करती है,
लेकिन हम किस तरह उन ट्रांसफॉर्मर्स को ट्रांसफॉर्म इंक्रीमेंटली कर सकते हैं। जब एक समोसे का बैच आता है आता है आता है आता है, अगर जब भीड़ भाड़ में एकदम बहुत ही फेमस जगह पे समोसा खाने जा रहे हो, तो एक छोटे से कंकड़ के लिए कोई नहीं बोलने आता कि समोसे में कंकड़ आ गया, वो आदमी साइड में करके बाकी वाला समोसा खा भी लेता। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर टीम काफी बढ़िया काम कर रही है, छोटी मोटी गलतियों को इंसिडेंट समझ के पार्क कर दिया जाता है कि नहीं बाकी काम अच्छा हो गया, इसको बाद में देख रहे हैं कोई बड़ी चीज नहीं लग रही, इस करेक्ट तरीके से। बट दैट माइंडसेट हैज टू कम कंसिडरिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर एवरीबॉडी हैज टू बी ट्रीट एज अ टीम मेंबर। एंड आई पर्सनली फील टेस्टर और डेवलपर सो फार वी गोना सेग्रीगेट दिस रोल्स लाइक दिस। We will always have this problem where these people will be caught saying that you missed it, rather than it should be that we missed it. We as a team are responsible for it. सर ये वाला जो चीज होता है ना, ये ब्लेम गेम इसको बोलते हैं एक तरीके से, कहीं ना कहीं कि यार तुमने देखा नहीं था। ये चीजें यूएट से ही स्टार्ट हो जाती हैं, जब आपका स्टेजिंग पे ही चीजें होती हैं, जब प्रोडक्ट ओनर अपनी यूएट करता है तो कहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो टेस्टर के लिए एक ये तो क्लियरिटी यहाँ मिल जाती है कि भैया उसी को ही टेक केयर करना है चीजों को, और आगे देखा जाएगा, फिर हम उसको अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे डिवाइड कर सकते हैं। सर अभी जब थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी ना, तो आपने कोई चीज के लेके ना बहुत एक मैसेज दिया था कि ऊपर से सब अजाइल है लेकिन सोच अंदर वाटरफॉल की है। सर ये जो चीज है, ये चेंज कैसे होगी, ये इसके इसको मैं केस स्टडी के थ्रू पूछना चाहूंगा जो मैंने प्रैक्टिकल देखा। हम ना हॉट फिक्सेस को लेके ना बहुत ज्यादा रहते हैं कि हॉट फिक्स आ गया, इसको तो करके देना है, मतलब ना इसको फटाफट करके दो, नहीं तो ना ये दिक्कत हो जाएगी। और आपने उसके लिए एक वर्ड यूज करा, इंसिडेंट, इसको फिक्स करके दे दो नहीं तो अगली रिलीज में कर देंगे, डेफर्ड भी कर सकते हैं। बट सर हॉट फिक्स कभी कभी एक ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा आपका ना एक सिस्टम ही हैंग कर दिया उसने, एक अच्छे तरीके से ब्लॉक कर आ गया एक तरीके का। उस पॉइंट इन टाइम पे ना आरसीए भी हम कर रहे हैं, रूट कॉज एनालिसिस, इम्पैक्ट भी हमें पता चल गया, बट उसको लेके फिर भी क्लैरिटी नहीं है कि वो डिलीवर कब हम कर पाएंगे। तो वो वाली चीज अजाइल किस वे में हैंडल होती है, क्योंकि ये जो चीजें होते हैं फिर सब, जैसे क्राउड स्ट्राइक में हमारा चीजें फट गई थी बिल्कुल ही कुछ टाइम पहले, अमेजोन जैसे क्रैश हो गया था, और बिग बिलियन डेज पे फ्लिपकार्ट जैसे कब इनिशियल जब डेज पे आया था तब क्रैश हुआ था। तो लोगों का ट्रस्ट उनके सर्विसेज पे है, बट क्या उनका प्रोडक्ट वो सर्विस दे पा रहा है उस हॉट फिक्स के बाद की नहीं, वो अजाइल किस तरीके से मेजर करता है, इसके ऊपर मैं कभी नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले क्या है कि इंसिडेंट्स हो गए, ये जो ऐसी रिक्वेस्ट जो क्विक एडहॉक वाली होती है, हाँ अजाइल वेज ऑफ वर्किंग जो है ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच से प्लानिंग करके करने वाली। आपके पास स्क्रम और कैनवान दो तरह के तरीके होते हैं, हाँ मतलब जी बहुत सारे तरीके होते हैं। स्क्रम आपका पुश मेजरली मॉडल है, कैनवान आपका पुल मॉडल है। हाँ तो जब आपको इंसिडेंट आ गया, उस वक्त एजिलिटी ये टीम की एजिलिटी पे है कि सिवियरिटी के हिसाब से सॉल्व किया जाए। प्रोडक्शन इंसिडेंट्स या प्रोडक्शन डिफेक्ट्स जो होते हैं, जो क्रिटिकल हो जाते हैं, वहां पे आप प्लानिंग नहीं कर सकते। आपके पास में एसओपीज होते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स हैं, इसके इसके तहत काम करना चालू किया जाए। यहाँ पे टीम की एजिलिटी काम आती है, अजाइल वेज ऑफ वर्किंग काम नहीं आता। अजाइल वेज ऑफ वर्किंग जो सोच है वो ये है कि भाई आप कितना क्विकली उसको उस निर्धारित समय में सॉल्व करते हैं ताकि इम्पैक्ट कम से कम हो जाए। अब इस हॉट फिक्स के बाद में परफॉर्मेंस क्या रहा, चेंजेस कैसे आए एप्लीकेशन को, इसको मॉनिटर करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग की जा सकती है कि ओवरऑल इस हॉट फिक्स के बाद में कितने ऐसे और इंसिडेंट्स आए हैं, क्या उनकी कैटेगरीज क्या रही है, और उन कैटेगरीज के हिसाब से क्या हमने बड़ा रूट कॉज सॉल्व किया, और अगर नहीं किया है तो वो ऐसा कौन सा एनहेंसमेंट हो सकता है या इनिशिएटिव हो सकता है जिसको अब हम स्क्रम के तरीके से एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके सॉल्व करें ताकि ये बड़ा इम्पैक्ट जो है कंटिन्यूशन में आ जाए। जहां तक इंसिडेंट्स की बात आती है, यहां पर टीम की एजिलिटी काम आती है कि वो कैसे साथ में जल्दी फिक्स करें। जहां तक आप किसी भी टीम में काम कर रहे हैं स्क्रम या इसमें, आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसे इंसिडेंसेस आपको प्रायोरिटाइज करने ही पड़ते हैं। वो टीम के पास आने के बाद में उस वक्त टीम को अगर वो इंसिडेंट पे काम करना है और डेवलपमेंट पीस का काम है या बिल्ड टीम का काम है, आपके पास मेंटेनेंस सपोर्ट टीम की एक टीम होती है, एमएनएस की टीम जो होती है, मेंटेनेंस सपोर्ट की टीम या वारंटी की टीम्स जो होती है, इनका काम ही ये होता है कि वो इंसिडेंट पे काम करें। उनको आप किसी मॉडल में काम नहीं करवा सकते, बिल्कुल कोई भी हो जाए, वो किसी मॉडल में काम नहीं कर सकते हैं।
हाँ अभी अभी रात अभी रात को घर में छिपकली आ गई और डरते हो तो क्या करोगे? अजय का वेट करोगे कि नहीं यार प्लानिंग करता हूँ कि 2 घंटे बाद निकालूंगा? नहीं, कॉकरोच आ गए तो क्या करोगे? भागोगे ना वहां से, कुछ तो अरे करोगे। अब उसके ऊपर घर में एकदम से नल फूट गया, पानी बहने लग गया, तो क्या वेट करोगे? नहीं यार 2 घंटे के बाद प्लानिंग मीटिंग के बाद देखते हैं क्या होने वाला है, ऐसे तो नहीं करने वाले। वी हैव टू एक्ट ऑन इट। वहां पे एजिलिटी काम आने वाली है कि मैं सोल्यूशन क्या निकालूं जल्दी ताकि इम्पैक्ट ना हो। सो ऐसी टीम्स को मेंटेनेंस एंड सपोर्ट टीम में कैटेगराइज करना चाहिए और उनको इस बारे में नॉलेज देना चाहिए सारे एप्लीकेशन का कि अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे प्रोसीजर्स क्या है। अब इनको अगर ये चीज नहीं समझ आ रही कि प्रोसीजर क्या है, वहां पे ये चीजों में डेवलपमेंट बिल्ड टीम्स जो है, जो एक्चुअल स्क्रम और कैनबान में काम कर रही है, उनको सपोर्ट देना है कि हम कैसे आपका काम जल्दी करें, ये करने में हम आपको बताएं, और अगर ये हमारे स्कोप में हमारे बिल्ड में आता है तो हमें असाइन करो आप, पर हम कोलैबोरेट करें साथ में काम करने के लिए। और अगर वो इंसिडेंट या वो डिफेक्ट प्रायोरिटी पर किसी बिल्ड टीम के पास में स्प्रिंट एग्जीक्यूशन के समय आता है, उसको इम्पैक्ट देखते हुए उसको प्रायोरिटाइज करना होगा, प्रोडक्ट ओनर स्क्रम मास्टर को बोलना होगा, और अगर उससे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है तो कोई एकाध या दो स्टोरी को जो है देखना होगा कि क्या हम इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। इसीलिए प्रोएक्टिवली एक काम किया, प्रोएक्टिवली हम लोग एक काम किया करते थे पहले रियल वर्ल्ड में, नोन्स और अननोन्स डिफाइन करते थे कि एक एक टीम के अंदर में काम करते वक्त प्रैक्टिकली कितने ऐसे नोन्स हैं और कितने ऐसे अननोन्स हैं जो हमें डील करना पड़ता है, राइट? इसका मतलब ये कि डेली हम जहां रह रहे हैं, हम जिस घर में रह रहे हैं, अगर सपोज करो दिन में डेली 2 घंटा बिजली जाने वाली है तो पता रहता है ना अपने को बिजली जाने वाली है, तो 2 घंटे तो हमारे अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं, तो हम उसके पहले सारे काम कर लेते हैं, उसके बाद सारे काम करते हैं, उस समय कुछ नहीं कर रहे होते बिजली का काम। वैसे ही अगर एक स्प्रिंट के अंदर में मालूम पड़ जाए कि यार ये नोन डिफेक्ट्स हैं, ये 10 डिफेक्ट पे तो काम करना ही पड़ेगा, और हमें पता है कि हमारे ही इतिहास के हिसाब से 4 इंसिडेंट मिनिमम तो हर स्प्रिंट में आते ही हमारे नाम पर, तो इन चीज की कैपेसिटी के बेस पे इनका अलग कर दिया जाए, सर इनका जो है कैटेगराइज कर दिया जाए कि ये 3 स्टोरी पॉइंट तो हमें ये काम करने ही पड़ने वाले हैं। अगर आप इनको निर्धारित कर दो बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, देन यू आर बेटर पोजिशन टू मैनेज दैट एंड टीम कैन वर्क ऑन इट वेरी प्रोएक्टिवली एंड देन इन द अजाइल वेज ऑफ वर्किंग दिस कैन बी टेकन केयर वेल। दिस इज हाउ यू कैन प्लान इट एंड कैन कीप अ क्वेश्चन अबाउट इट। लॉट ऑफ पीपल दे डोंट पुट नोन्स एंड अननोन्स। इफ यू पुट अननोन, एक इंसिडेंट आया, अननोन में गए, हमने वहां पे टास्क क्रिएट किया, हम अकाउंटेबिलिटी ले आए, रेस्पॉन्स हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है। अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक फर्क होता है। अकाउंटेबिलिटी जो होती है फील करनी पड़ती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमें याद दिलाई जाती है। फर्क ये है, राइट? हमें याद दिलाया जाता है कि हम बेटा हैं, हमको बेटे का कर्तव्य निभाना है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फील करनी पड़ती है, नहीं ये मेरी माँ है, मुझे मेरी माँ के लिए कुछ करना है, ये अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वो है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब बताते हैं, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है कि हम वहां जाके बोर्ड पे बोले कि हमने इंसिडेंट पे काम किया, ये दिखे कि भाई इतने इंसिडेंट हमारे आते हैं, मेट्रिक बन जाता है। और जब हम ये पैटर्न चालू करते हैं कि हर स्प्रिंट में हर टीम नोन्स और अननोन्स का कैरेक्टरिस्टिक डाले, तो हर लीडरशिप को हर विजिबिलिटी मिलती है इस विजुअल रेडिएटर से कि हर टीम के पास कितने अननोन्स हैं, और जितने ज्यादा अननोन्स पे काम कर रहे हो मतलब हम सपोर्ट अच्छा दे ही नहीं पा रहे हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट काम करने का है वो अजाइल में आगे बढ़ नहीं पा रहा है, टीम इतनी अननोन में काम किए पड़ी है कि एक्चुअल काम तो हो नहीं रहा। तो बहुत बार ये अननोटिसेबल हो जाता है, और इसको नोटिसेबल कराने के लिए ये तरीके होते हैं। सर, नोन्स और अननोन्स में एक ये चीज को भी बेनिफिट ये भी हो सकता है ना कि कुछ चीजों के बारे में वी आर ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, ये हुआ तो ये कर लेंगे। अननोन में एक बिल्कुल लर्निंग है कि अगर ये आया तो एक अननोन जो मेरे को अब आया है वो मेरे लिए नेक्स्ट चीज के लिए नोन होने वाला है, एक ये चीज बन सकती है। सर यहीं पर ना बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम टाइम जोन को लेकर फर्क करते हैं। काम मेरा टेस्टर दूसरे कंट्री से भी कर रहा है, मैं भी इंडिया में बैठ के काम कर रहा हूँ, दोनों का काम टेस्टिंग करना है, टाइम जोन अलग है, रिमोट सेटअप है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि अजाइल को लेके दोनों का व्यू बहुत अलग है। एक बोलता है कि एक फॉर्मेलिटी वे है, एक बोलता है लेट्स डू इट, देखा जाएगा। यहाँ ना एक जो अप्रोच होगी ना वो आपको डिलीवरी तो दे देगी, बट क्या वो आपको सेटिस्फाइड डिलीवरी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है।
क्योंकि उसके बाद जब हॉट फिक्सेस आएंगे ना, तो फिर जो जिसने इनफॉर्मल वे में चीजों को लिया ना, वो बाद में बोलेगा यार मुझे तो ध्यान देना चाहिए था। तो यहाँ पर एक अजाइल पिचनर के लिए किस तरीके से वो चीजों को कर सकता है, यहाँ पर एक माइंडसेट देखो में? सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है मालूम है क्या, कि अजाइल में काम करना मतलब ये 4 मीटिंग अटेंड करने हाँ और 2 वीक में जाना है, सब कुछ सब फटाफट फटाफट करना है और यही तरीका है। दो लोग जब कोलैबोरेट कर रहे हैं उनको जिस तरीके से कोलैबोरेट करना है करने देना चाहिए। अब आप किसी और कल्चर में काम कर रहे हैं, आप किसी और टाइम जोन में हैं, मैं किसी और टाइम जोन में हूँ। अब आप सपोज करो कि आप भारतीय टाइम जोन में काम कर रहे हो और मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा हूँ, तो मेरा दिन तो 5 घंटे आपसे पहले चालू हो गया। अब 5 घंटे पहले मेरा दिन चालू हो गया है तो लाजमी सी बात है कि आपके लॉग इन करने से पहले मैं आपका काम कैसे आसान करूं, अगर मैं सोच लूं मेरे काम करने से आपको फायदा क्या हो जाता है पेयर प्रोग्रामिंग में, तो ये सवाल ही कहां से आ रहा है कि भाई अजाइल है या नहीं। दो लोग जब अपनी खुद की दोस्ती यारी में काम अच्छे से कर लेते हैं उसी को अजाइल बोलते हैं। अब ये एक पैटर्न दिया गया है एज अ सजेशन। नाउ 12 प्रिंसिपल हैं और 4 वैल्यू हैं, इसके बाहर अजाइल है ही नहीं, सोच के ऊपर है ये। इसमें एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल नंबर 10 है, मेरा थोड़ा फेवरेट है, सिंप्लिसिटी इज द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन, दैट इज असेंशियल। सिंप्लिसिटी इज द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग, आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन, नॉट डन, मतलब जो काम अब तक किया नहीं गया है उसको तुमको मैक्सिमाइज करना है, वो आर्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सुबह उठ के अपने पूरे दिन की प्रोटोकॉल को अगर मैं कैटेगराइज कर दूं कि 5 मिनट ईमेल को दूंगा, उसके बाद ये करूंगा, ये मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूं उस काम को जो मुझे करना है अभी। तो अगर मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने को प्रोग्रामर या को कलीग जो मेरा दूसरे लोकेशन में बैठा है, मैं टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी बना लेता हूँ कि यार तुम्हारे दिन खत्म होने से पहले तुम मुझे मेल कर देना, तुमने क्या क्या देखा, तुम्हारे मस्ट टू हैव क्या थे, नाइस टू हैव क्या थे, तुमने आज अलग क्या सीखा और ऐसी कौन सी चीजें जहां तुम्हें मेरी तुम चाहते हो कि मैं कंप्लीट करूं तुम्हारे सो के उठने से पहले, हैंडशेक हो जाता है। तो जब ये चीजें हो जाती हैं ऑटोमेटिकली तो आपके वेज ऑफ वर्किंग ईजी हो जाता है। और अजाइल खास करके कुछ फ्रेमवर्क्स में पेयर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, जहां पे नेविगेटर और ड्राइवर का कॉन्सेप्ट होता है। गाड़ी अगर रात में गाड़ी चला रहे हो, कहीं जा रहे हो दिल्ली से, कहीं सपोज करो दिल्ली से कहीं गाजियाबाद जा रहे हो, रात के 11:30 बजे हुए हैं, जीपीएस नहीं, मोबाइल बंद हो गया, तो अगर साइड में एक फ्रेंड हो आपके तो बताएगा ना ये रास्ता यहाँ से लो, नहीं ये वहां से लो, ये वहां से लो, ऐसे लो। तो आप ड्राइवर हो, नेविगेटर है, तुरंत उसके 1-2 घंटे बाद जो है नेविगेटर साहब जो है वो ड्राइवर बन जाएंगे, ड्राइवर साहब जो है नेविगेटर बन जाएंगे। इसको पेयर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। वही करने की बात हो रही है करेक्ट है। कि हाँ भाई मैंने जो काम किया मैं चेक इन करता हूँ, आप देख लीजिए आप जल्दी उठने वाले हैं, कुछ रिव्यू कमेंट होगा तो देख लो और फिर अपन दोनों साथ में बैठ के फिर करते हैं। अब इसमें एजिलिटी कहाँ से आ गई और अजाइल वेज ऑफ वर्किंग में कैसे आ गया, आप कितने भी अच्छे से अच्छे रिमोट सेटअप में हो, अगर आपके टीम के अंदर कोलैबोरेशन करने में एम्पथी है, एम्पथी है, तो आप किसी भी लोकेशन में होइए आप मैनेज कर लेंगे। आपको आपको अंदर से फीलिंग होगी कि मैं इस टीम का पार्ट हूं। अगर आपके टीम में एम्पथी नहीं है, हम टीम से एम्पथेटिकली बिहेव नहीं करते, हम ये नहीं समझते कि ये कैसे देखते हैं, सोचते हैं, फील करते हैं, साइकोलॉजिकल सेफ्टी अगर नहीं है कि अगर क्या मैं बोलूं तो कुछ हो जाएगा, यार ये भारतीय है क्या ये मेरी बात समझ पाएगा, और खास करके हम भारतीय तो बड़े हाई कंटेक्स्ट होते हैं, हम बिना माहौल के बात करते ही नहीं। बहुत बार हम कॉल में जाते हैं तो बाकी यहाँ वहां के सब लोग बात कर रहे होते हैं, हम सहमे हुए से रहते हैं कि हम कहीं पूछे तो गधे तो अपियर नहीं हो जाएंगे, कैसे होगा। इसमें आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि भारतीय बोलते नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई हमें कंसिडर करने के लिए थोड़ा सा स्पेस दिया जाए। अब अगर मैं किसी टीम मेंबर को, अब मेरा कोई टीम मेंबर सपोज करो इंडिया में है और मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ हूँ, हाउ आर यू डूइंग केतन, आई एम गुड, ओके सो व्हाट हैपेंड अबाउट इट नाउ, ये एक जनरल चर्चा है, कल्चरल डिफरेंस की बात है। और वो सोचेगा अरे यार ये तो अपडेट पूछ रहा है, कहीं ये मेरी गलती तो नहीं निकाल रहा, ऐसा होता है। माइंडसेट इसमें भी कभी कभी की कोलैबोरेशन की प्रॉब्लम, माइंडसेट की प्रॉब्लम होती है। वही अगर मैं बोलूँ और केतन कैसा चल रहा है, घर में सब बढ़िया, अच्छा वेदर वेदर कैसा चल रहा है,
पुणे से हो, अच्छा पुणे में तो ये भी मिलता है, ये अपने आप एक माहौल बना देता है, दिस इज मोर एम्पैथेटिक। सो ये दो टीम मेंबर्स किसी भी कल्चर में या दूसरे लोकेशन पे होने पे साइकोलॉजिकल सेफ्टी और एम्पैथेटिक बिहेवियर एक बहुत की रोल है उनको कोलैबोरेट करवाने के लिए, ताकि ये दिक्कतें कभी नहीं आती कि अलग अलग लोकेशन में है तो मैं कोलैबोरेट करूं कैसे, और दो टेस्टर्स अगर अलग अलग हैं, हर किसी का व्यू पॉइंट अगर अलग हो गया है इसमें, तो वो टेस्ट केस लिख रहा है, एग्जीक्यूट ये कुछ और कर रहा है, और कॉल में आने के बाद दोनों की एकता दिख ही नहीं रही। तो करेक्ट ये आई थिंक ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो स्क्रम मास्टर से लेके किसी भी एजाइल एंगेजमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स को बहुत बेसिकली इसको एस्टेब्लिश करना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप मैं शेयर करना चाहूंगा सबके साथ, वो ये है, वी से यू नीड टू फील द विल, यू नीड टू फील द विल टू एंश्योर दैट यू गो ऑन अ जर्नी ऑफ विल टू थ्रिल। तो पहले अपने विल को फील करो कि अपने टीम में उसकी तुम विल को फील कर पा रहे हो क्या। जब आप ये करने में सक्षम हो जाओ तो आप एक ऐसी जर्नी में निकल पड़ते हो जहां आपकी जो विल है वो थ्रिल में कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो यू स्टार्ट एंजॉइंग वर्क विद देम, करेक्ट इवन अगर चैलेंज आ गया, अरे यार चैलेंज आ गया यार, अभी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो कई बता तो, अरे तो क्या हो गया, अभी मेरे यहाँ पे 7 बजा हुआ है, तुम्हारे यहाँ क्या टाइम हुआ है? हाँ तो 1 घंटे में उठता हूँ ना, मुंह हाथ धोके साथ में करते हैं। ये यहाँ तक पहुंचने के लिए उतना एफर्ट देने के लिए उसका एनवायरमेंट देना चाहिए। करेक्ट वंस दैट एनवायरमेंट इज देयर, ऑटोमेटिकली दिस विल हैपन, एंड द प्रॉब्लम दैट कम्स इन मल्टीपल रिमोट वेज ऑफ वर्किंग कैन बी इराडिकेट वेरी क्लियरली, एंड दिस इज सक्सेसफुली बीन डन इन मेनी एरियाज व्हेन आई एम बीन वर्किंग, वेर यू बेसिकली हैव हाइब्रिड सेलिब्रेशन मॉडल्स वेर एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट रिमोट कल्चर्स बीन सक्सेसफुली बीन डन एज अ पेयर प्रोग्रामिंग, वी सेलिब्रेटेड, एंड दैट गिव्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट वे, यू नो, हैव चाय पे चर्चा, कॉफी पे चर्चा, टेस्टिंग पे चर्चा, बग पे चर्चा, बहुत सारी चीजें निकल गई हैं आजकल हमारे, हमने हमने एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका निकाला था कि गलतियों पे चर्चा, तो इफ देर आर एनी मिस्टेक्स हैपनिंग, यू नो, मिस्टेक पे चर्चा, बात करो, एक दूसरी गलतियां निकालो वॉर रूम में और उसको हम फिक्स करें, दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ कल्चर दैट दिस इज देन अवॉइडेबल। तो सर ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट का ना लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर टू डिफरेंट केस स्टडीज के ऊपर मैं जाना चाहूंगा। सर अभी तक ना जितना चीजों को मुझे समझ आया ना इसका फ्यूचर एस्पेक्ट को लेके अभी भी ना बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। पहला क्वेश्चन तो है कि फ्यूचर पे इसका क्वेश्चन मार्क क्यों है। दूसरा जो करंट कंपनीज हैं अजाइल की बात सिर्फ इंटरप्राइज लेवल के सोल्यूशन पे ही हो रही है आज भी। अगर हम नॉर्मल स्टार्टअप पे देखें जहाँ पे हसलिंग कल्चर है वहां पे अजाइल की बात नहीं हो रही, वहां पर यही हो रहा है कि यू नो कि बिल्ड एंड फिक्स मेथडोलॉजी बनाओ, गड़बड़ आई फिर कर देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो दो चीजें हैं ना इसके ऊपर बैलेंसिंग की नीड क्यों है इसके ऊपर मैं आपका पूरा व्यू जानना चाहता हूँ सर। सबसे पहले बताऊं मैं आपको एक चीज, तो इसका एक बहुत बेसिक रिलेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि एक होता है सलाह देना किसी को, एडवाइस, एक होता है किसी को सलाह देना, एक होता है किसी की चिंता करना, ठीक करेक्ट है, एक होता है सलाह देना, एक होता है चिंता देना, और एक होता है किसी चीज को बदलना। तो सलाह देना जो है ये सामने वाले पे डिपेंड करता है उसको सलाह लेनी है या नहीं, हाँ देने वाला दे देता है। बिल्कुल तो आपके जो मित्रगण हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें सलाह देते रहते हैं, अब वो हमारे ऊपर है हमें सुनना है कि नहीं सुनना है। चिंता मतलब होती है कि देयर इज अ कंसर्न दैट हाउ यू विल बी। अब चिंता करने वाले भी हमारे मित्र होते हैं जो एक दो कदम आगे बढ़ जाते हैं, या हमारे परिवार वाले होते हैं, या रादर हमारी मदर होती है जो सबसे ज्यादा चिंता कर रही होती है, राइट। बदलना वाला एस्पेक्ट जो है ना, ये बेसिकली पिताओं में सबसे ज्यादा होता है, इनके एक्टिविटीज, इनके एग्जाम्पल जो हैं ये, या तरीके जो हैं ये हमें बदल कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी कंपनी को, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मत है, किसी भी कंपनी को ट्रांसफॉर्मेशन या किसी भी कंपनी को अजाइल वे ऑफ वर्किंग अगर इंप्लीमेंट करना है, सो एक नॉर्मल फादर कैसे अपने बच्चों को सख्ती से रखता है उनको डेवलप करने के लिए, इस फैक्टर के बेसिक्स को अगर समझ लिया जाए, तो आप स्टार्टअप इंप्लीमेंट करते वक्त प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और एथिक्स की तरफ ध्यान दोगे। होता यह है कि सबसे पहले हमें नॉर्मल वे में क्या होता है कि हमें अपने आप को एस्टैब्लिश करना होता है, हम अपने एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई में या उसकी जद्दोजहद में या उसकी जर्नी में
सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो। हमारे नाम के होने के लिए जो बन पड़ता है हम करना चालू करते हैं। हम शुरुआत में सोचते हैं कि हमारा पहला प्रोडक्ट बिके, लोग जाने, पैसा आए, वी स्टार्ट गेटिंग सम रेवेन्यू कमिंग इन टू इट एंड देन वी बिकम मोर इन टू इट। वैसे भी कहीं मैंने सुना था, एक बड़े प्रख्यात फिल्म स्टार ने कहा था कि इफ यू वॉन्ट टू गिव साइकोलॉजिकल एडवाइसेस, यू नीड टू बिकम रिच फर्स्ट, देन पीपल विल लिसन टू यू। करेक्ट इसलिए मैंने कहा सलाह दोस्त देते हैं, चिंता जो है वो आपके बहुत ही करीबी दोस्त करेंगे, माताएं करेंगी, राइट। लेकिन सबसे बड़ा बदलने वाला फैक्टर जो है ना, वो इंसान करता है जो साइलेंटली कर रहा होता है। मतलब ये वो चिंता की बात है, लेकिन स्टार्टअप कंपनीज को पहले एस्टेब्लिशमेंट की जल्दबाजी इतनी ज्यादा होती है कि वो वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, वेज ऑफ वर्किंग, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, माइंडसेट, ये सब के बारे में सोचने का समय नहीं रखते, क्योंकि वो चाहते हैं कि इन सब बातों को तब तब महत्व दिया जाए जब हम कुछ बन गए हों। अभी एक सिंपल सी बात है, एक कमरे में चार दोस्त रहते हैं। अब एक कमरे में चार दोस्त कैसे रह रहे हो, ये कभी मैटर किया आज तक? नहीं मैटर किया है। आप नीचे सो रहे हो कि ऊपर सो रहे हो, कि यहां सो रहे हो कि वहां सो रहे हो, कितने रूम में लोग हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं। जब आपको लोग जानते हैं, आप थोड़े प्रख्यात हो जाते हो, फिर आप अपने कोशिश करते हो कि हम अपने हिसाब से इसको और कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। स्टार्टअप कंपनीज का ये है, बट आई वुड से दैट डिस्पाइट ऑल दिस यू बिकम नीश एंड यूनिक विथ रिस्पेक्ट टू द वे यू अप्लाई सिस्टम्स थिंकिंग। द मोर बिगर यू कैन थिंक अबाउट इट, जो जो सिस्टम आप बना रहे हैं वो भी मतलब वो भी सिस्टम है, जो सॉल्यूशन है वो भी सिस्टम है, और आपकी कंपनी भी एक सिस्टम है। सो एथिक्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, एंड स्टार्टअप कंपनी शुड थिंक इन अ वे दैट रादर देन वी अपियरिंग इन द फाइट ऑफ बींग डिफरेंट, लेट्स ट्राई टू क्रिएट समथिंग दैट वी अपियर डिफरेंट टू अदर्स, एंड दैट कैन हैपन वेन वी अलाइन आवर सेल्व इन अ स्ट्रक्चर वेर आर बिहेवियर्स आर बीन एग्जिबिटेड डिफरेंटली। आई थिंक दिस इज वन बेसिक अप्रोच दैट स्टार्ट दैट न्यू कंपनी शुड डू, एंड बिगर ऑर्गेनाइजेशन वॉट दे हैव टू लर्न हियर इज दैट दे हैव टू बी सस्टेनेबल। उनको कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है कि एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक छोटा सा कोई नया पेंशन प्रोडक्ट है, सपोज करो किसी ने लॉन्च कर दिया। अब पेंशन प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसके बाद में उसके अंदर बड़े 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 छोटे छोटे फीचर्स आने वाले हैं, सपोज करो बड़ी कंपनी के। तो हमने लॉन्च कर दिया, हमने अजाइल में काम किया, और बाद में अब नया प्रोजेक्ट या नया उसके और फीचर्स आने वाले हैं, एंड देन वी आर नॉट लुकिंग इन टू द जर्नी ऑफ हाउ वी आर सस्टेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज दैट इज हैपनिंग। बिकॉज इफ यू आर नॉट रिलेवेंट टू इट, देन ऑटोमेटिकली वॉट इज गोन हैपन इज द न्यूअर वेज ऑफ वर्किंग और द हाइब्रिड वेज ऑफ वर्किंग सस्टेन नहीं होता है, तो पीपल विल नॉट लाइक वर्किंग देयर। पीपल वॉन्ट सम काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी टू गेट एम्पावर्ड विद इनोवेशन, विद ऑल्सो अबाउट वॉट इज अ न्यू लर्निंग दैट आर ट्राइंग टू गेट। द मिड लेवल कंपनीज ऑलवेज हैव लर्निंग, द बिगर कंपनीज ऑलवेज हैव चैलेंज ऑफ प्रोवाइडिंग द लर्निंग कंसिस्टेंटली। सो आई थिंक दिस आर सम फैक्टर्स विच विल ड्राइव दिस, एंड आई फील दैट इट अगेन कम्स बैक टू वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट। So if you can outline what is more important in the correct way, I think these things will be eased out. तो सर मैं इस पूरे पॉडकास्ट को बस समराइज कर देता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए कि हमने क्या जर्नी को पूरा किया। हमने अजाइल के ऊपर बात की, उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की, माइंडसेट के ऊपर बात किया कि अजाइल बोलना और वाटरफॉल का इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग चीजें। अजाइल के लिए आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। इन तीनों के बारे में जब तक क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक लॉन्ग रन में सर्वाइवल नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी अपने एक्शंस में, हॉट फिक्सेस के साथ किस तरीके से डील करनी है, एक कल्चर कैसे डेवलप करना है और फ्यूचर किस तरीके से उसका जाएगा। और आप एज अ टेस्टर हो या डेवलपर हो, आपको टीम में काम करके चीजें देखना है कि अगर ये प्रोसेस हमारे लिए है तो ये क्यों है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस अबाउट होल एजाइल। सो इट रियली मींस अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट रियली मींस अ लॉट। Absolutely, and you know, before I just close on this, you know, there's a concept called as leopard's momentum and deer's anxiety. Okay, which is very important, and this is something that we creatively thought about it and trying to implement it. कि क्या होता ना, हर जंगल में ना, ये सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जंगल में सुबह ना एक लेपर्ड जागता है, सो के उठता है, और वो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से नहीं भागा ना तो भूखा मर जाऊंगा। तो उसी दिन सुबह जो है ना, एक हिरण जागता है, वो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से नहीं भागा ना तो
तो खाना बन जाऊंगा। तो बिल्कुल बात यह है कि भागना तो है, अब लेपर्ड बन के भागो या हिरण बन के भागो, चॉइस तुम्हारी है। बस बात सिर्फ इतनी है कि इस एजिलिटी के अंदर में तुम्हें मोमेंटम गेन करना है कि तुम्हें एंजाइटी में रहना है। मोमेंटम गेन करने के लिए जरूरी है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट और तुम्हारी टीम ऐसी हो जो तुम्हें प्रोडक्टिव करने पे मजबूर करे, और अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी तो हिरण की एंजाइटी में रहोगे कि कब कहां से कौन झपट्टा मारने वाला है। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन टू अ जोन ऑफ लेपर्ड्स मोमेंटम फॉर एजिलिटी। इट कुड बी एम्पावरिंग, इट कुड बी एन एजिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एआई, बट इन एनी स्पेसिफिक जोन टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशंस आर देयर टू हेल्प द ह्यूमंस, दे आर नॉट हियर टू एम्पावर, यू नो, ओवर पावर द ह्यूमंस। आई थिंक दैट इज द ओनली बेसिक थिंग दैट एवरी अजाइल टीम इन द रोड मैप शुड फील, दैट इट्स अ रोड मैप, इट इज नॉट अ डेस्टिनी। वी आर द वंस हु विल क्रिएट अ डेस्टिनी अबाउट इट। सो इट्स करेक्ट बेटर दैट वी राइट द पॉइंटर्स एंड the specifications of this road, the specifications of this destiny, how it has to be, rather than they leading us. थैंक यू सो मच सर फॉर हाईलाइटिंग ऑन द स्पॉट इट रियली मींस अ लॉट एंड आई विल मेंशन योर लिंक्डइन आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल कि किसी को किसी भी चीज पर अजाइल को लेकर कुछ गाइडेंस चाहिए हो कुछ भी होगा तो आपको डायरेक्टली रीच आउट कर लेगा थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग वंस अगेन इट रियली मींस अ लॉट थैंक यू Thanks a lot, Gandharv, for this opportunity, and it was really great connecting with you. Some great insights as well, and I hope that such more interactions and many many more interactions for you will go out. It's a good platform that you have created, and this will really help out a lot of people as well if they really feel so about it. So thanks for the good work you're doing, and Thank just you. be continuing on that, and thanks for the opportunity. Thank you so much.